मधुमेह या डायबिटीज। प्रकृति की रचना एक अद्भुत संतुलन पर आधारित है। जहां भी कभी इसमें बदलाव आया तो वह एक अलग रूप ले लेती है। चाहे वह आंधी तूफान हो, समुद्र की लहरें हो या फिर शरीर की रचना ही हो, पैनक्रियास से निकलने वाला पदार्थ इंसुलिन रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को कोशिकाओं में भेजने के लिए आवश्यक होता है। जब उसकी कमी हो जाती है तो ग्लूकोज कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाता और रक्त में ही रह जाता है, जिसे हम मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह इन लोगों में होने की आशंका ज्यादा होती है जिनके परिवार में पहले से ही यह बीमारी हो, आपका शारीरिक वजन ज्यादा हो, आप अधिक बैठे रहते हो। जन्म के समय शिशु का वजन 4 किलो से अधिक हो, आपकी आयु 40 साल से ज्यादा हो। मधुमेह के लक्षण: ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, ज्यादा भूख लगना, देखने में धुंधलापन, थकान महसूस करना, वजन कम होना, जख्म ठीक होने में समय लगना, त्वचा में खुजली होना, हाथ पैर में सूनापन होना, यौन क्रिया में समस्या। यदि कोई भी लक्षण ना हो तो खून की जांच से पता लगना। यदि मधुमेह पर नियंत्रण ना हो पाए तो यह शरीर के हर भाग को खराब कर सकता है, जैसे आंखें, दिल, गुर्दे और बार बार फुंसी होना, नसों की सूजन, पैर के अंगूठे का सड़ना, बेहोश होना इत्यादि। मधुमेह का नियंत्रण: संतुलित भोजन, शारीरिक गतिविधि, व्यायाम करें, नियंत्रण शारीरिक वजन, ग्लूकोज स्तर की नियमित जांच, चिकित्सक की सलाह। यदि आप अपनी रक्त शक्कर भूखे रहने पर 110 मिलीग्राम प्रतिशत तक और खाने के बाद 140 मिलीग्राम प्रतिशत तक रखें तो अच्छा है। हमें अपने को डॉक्टर की देखरेख में रखना चाहिए, उसकी सलाह आवश्यक है, क्योंकि प्रभु भी डॉक्टर द्वारा ही ठीक करता है।